हेलो व्यूज, लेटेस्ट अपडेट ये है कि शान मसूद के सर पर बॉल लगी है। मोहम्मद नवाज़ बैटिंग एंड पर थे और उन्होंने शॉट मारी तो दूसरे एंड पर खड़े हुए शान मसूद के सर पर बॉल लगी। बेध्यानी में ये बॉल लगी है शान मसूद के सर पर और बहुत तेज़ शॉट थी मोहम्मद नवाज़ की, जो कि बॉल सीधी आके लगी है शान मसूद के सर के ऊपर। पहले भी पाकिस्तान टीम को फ़खर जमान की कमी महसूस हो रही है और वन डाउन पोजिशन पर पाकिस्तान टीम यही चाहती थी कि शान मसूद को खिलाया जाए, लेकिन अभी इनकी इंजरी के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन ये आप जो मनाजर देख रहे हैं शान मसूद के, ये उस टाइम के मनाजर हैं जब बॉल आके उनके सर पे लगी थी और फौरी वो नीचे लेट गए और उसके बाद मेडिकल पैनल के जो लोग हैं वो शान मसूद के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि शान मसूद को ट्रेनिंग एरिया से, मेलबर्न के ट्रेनिंग एरिया से शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल और वहाँ पर उनके स्कैंस करवाए जा रहे हैं और स्कैंस की रिपोर्ट्स आने के बाद फैसला किया जाएगा कि शान मसूद की इंजरी की लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और वहाँ पर आज शाम तक इनकी रिपोर्ट जब आएंगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि शान मसूद पहले मैच में टीम को दस्तयाब होंगे या नहीं।